अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और खुश होंगे। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ क्रिस्पी पोटैटो फ्राइज़। बहुत ही मज़ेदार बनेंगे, आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चैनल रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हमने हाफ कप इसमें पोटैटोज़ को हमने स्लाइसिस में काट लिया है बारीक, और इसमें मैंने हाफ कप जो है बेसन ऐड किया है। और अब हम इसमें ऐड करेंगे तकरीबन हाफ कप कॉर्नफ्लोर। तो कॉर्नफ्लोर कोई भी आप पैक वाला ले सकते हैं, वो ऐड कर सकते हैं। फ्रेश बेसन लिया है, वो हाफ कप हमने कॉर्नफ्लोर। 1 टेबल स्पून अब हम इसमें सॉल्ट ऐड कर रहे हैं। और अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर, और साथ ही अब हम इसमें ऐड करेंगे कोरिएंडर पाउडर। सूखा धनिया, सूखे धनिया को ग्राइंड कर लिया था, उसका पाउडर है तकरीबन 1 टेबल स्पून ऐड किया है हमने। और अब हम इसमें ग्रेजुअली पानी को थोड़ा सा ऐड करेंगे और अब हम इसे मिक्स करेंगे। बहुत ही अच्छे से हम इन्हें मिक्स कर लेंगे। आपको अगर इसमें बेसन थोड़ा सा कम लगे तो आप इसमें और ऐड कर सकते हैं। वैसे मुझे ये बिल्कुल ठीक ही लग रहा है। तो अगर आपको इसका जो बैटर है, जो इसमें थोड़ा सा ज़्यादा आपके अगर आलू ज़्यादा है तो आप इन चीज़ों को डबल कर लें। जो बेसन है वो 1 कप कर लें, और 1 कप ही आप दूसरा वाला जो कॉर्नफ्लोर है वो कर लें। और इंग्रेडिएंट्स आप अपने मुताबिक, जितनी आप स्पाइसेस पसंद करते हैं, सॉल्ट जितना पसंद करते हैं उतना डालें। अब इनको अच्छे से कोट कर लिया है हमने, और अब हम इनको करेंगे फ्राई। आपने अब इसको फ्राई करना है, बिल्कुल मीडियम हाई फ्लेम रखना है। थोड़ा सा ज़्यादा, बहुत ज़्यादा हाई नहीं रखना। तो आपने मीडियम फ्लेम पे इसको फ्राई कर लेना है इन फ्राइज़ को। तो ये बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी और मज़ेदार सी फ्राइज़ बनेंगी। और आई होप आपको मेरी वीडियो अगर अच्छी लगी होगी तो आप इसे ज़रूर लाइक कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़ेदार सी रेसिपी है, बहुत ही जल्दी बन जाने वाली और रमज़ान स्पेशल रेसिपी है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा। और हम इसे अच्छे से हिलाएंगे ताकि ये एक दूसरे के साथ चिपक नहीं जाए और अच्छे से जो है वो अलग अलग सी रहें। और देखें कितना अच्छा सा कलर आ गया है, बिल्कुल बाहर जैसी चिप्स जो है वो हमारे रेडी हो जाएंगे, क्रिस्पी मसाला चिप्स। तो देखिए कितने अच्छे से ये ब्राउन हो जाए, तो हम इन्हें निकाल लेंगे ऑयल से बाहर। जब ये रेडी हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा क्रिस्पी हैं ये। ये देखें बहुत ही मज़ेदार सी फ्राइज़ हमारी जो है, मसाला फ्राइज़ रेडी हैं। इनको आप भी ट्राई कीजिएगा, आप भी बनाइएगा। इस पर थोड़ा सा ओरिगैनो हम डाल देंगे ताकि इसका जो टेस्ट है वो मज़ीद बहुत ही अच्छा हो जाए। इंशाल्लाह इसी तरह मैं आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी सी वीडियोस लाती रहूँगी और किसी रेसिपी के साथ मैं ज़रूर हाज़िर हूँगी। आज के लिए अल्लाह हाफिज़।